हक्का नूडल्स फेवरेट है सबका, चाहे वो हो बच्चा या बड़ा। आज बनाएंगे हक्का नूडल्स अपने सिंपल टेस्टी एंड फास्ट तरीके से। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आप देख रहे हैं डैशिंग कुकिंग। डियर फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में लगी हुई घंटी को भी दबाना ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आज की डिश बनाना स्टार्ट करते हैं, हमारी हक्का नूडल्स। इसके लिए है मैंने एक बड़ी गाजर, दो शिमला मिर्च, एक कप पत्ता गोभी और दो प्याज, इन सबको मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक काट लिया है। लेते हैं कुछ सॉस। लिए है मैंने सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो केचप। इसके लिए हम एक और मसाला लेंगे, वो है चिंग्स चाउमीन हक्का नूडल मसाला। दोस्तों ये 10 रुपए का एक पैकेट आता है छोटा वाला। और लिया है नमक स्वाद अनुसार। ले लिया है मैंने चिंग्स वेज हक्का नूडल्स का पैकेट। मैं ये दो पैकेट ले रही हूँ, बना रही हूँ 4 लोगों के लिए। और ले ली है 5 लहसुन की कलियाँ। सबसे पहले हमने पतीले में पानी ले लिया है, मैंने 1.5 लीटर पानी लिया है और उसको उबाल आने तक हमने उबाल लिया है। जैसे ही अच्छे से उबलने लगे तो इसके अंदर डाले नमक, मैंने डाला है 1 चम्मच नमक और डाल रही हूँ उसके अंदर 1 चम्मच तेल। दोस्तों तेल डालकर कोई पकाने से भी आपके नूडल्स चिपकते नहीं है पकाते वक्त। पैकेट मैंने खोल लिया है और निकाल लिए हैं अपने वेज हक्का नूडल्स। आधा आधा तोड़ लिया है और मैंने इनको डाल दिया है पानी के अंदर। दोस्तों हमें ये नूडल्स बस 80% तक पकाने हैं, यानी कि हमें इसको पूरी तरीके से नहीं पकाना है। अगर आप इसको बहुत पका दोगे तो जो हम नूडल्स बनाएंगे तब ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ खिचड़ी जैसे हो जाएंगे, इसलिए इसको हमें 80% तक ही पकाना है। एक्स्ट्रा वाटर मैंने निकाल दिया है स्ट्रेनर में डाल के, यानी छन्नी में डाल के मैंने नूडल्स पानी का बचा हुआ पानी निकाल के फेंक दिया है। ये नूडल्स के ऊपर हमें ठंडा पानी डाल करके इसको ठंडा कर लेना है ताकि इसकी ओवर कुकिंग बंद हो जाए। और इसके अंदर 2 चम्मच तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अगर ये आप तेल डाल करके एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं तो ये नूडल्स आपके कभी भी नहीं चिपकेंगे। ले लिया है मैंने तेल और डाल दिए हैं इसके अंदर मैंने प्याज। तेल लिए मैंने 3 चम्मच और प्याज भी 2 प्याज लंबी लंबी कटी हुई। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, इसको बस हमें ट्रांसल्यूसेंट रखना है, यानी कि ब्राउन होने से पहले वाली स्टेज तक पकाना है। दोस्तों हम प्याज इसलिए भी ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि ये हमारी वेजिटेबल्स के साथ पकेगी। चार पांच लहसुन की कलियां, इसको मैंने कूट लिया है, आप चाहे तो इसको बारीक बारीक काट सकते हैं। देखिए प्याज हो चुकी है ट्रांसलूसेंट। और अब इसके अंदर हम मिला देंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैंने लिए 1 कप, आपने देखा ही है। बस ये पत्ता गोभी को और प्याज को हम 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भुनेंगे। दोस्तों हमें ये पूरा चाउमीन बनाते वक्त, यानी कि पूरा हक्का नूडल्स बनाते वक्त हमें हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखनी है और ध्यान रखना है कि वेजिटेबल्स भी ना जलें और इसमें अच्छा स्मोकी फ्लेवर भी आए। मैंने डाल दी इसके अंदर शिमला मिर्च और गाजर एक साथ, इसको भी हम भून लेते हैं। ये अभी भी मेरी गैस है हाई फ्लेम पे और चलाते रहिए इसको। हमें सब्जियों को, कोई भी सब्जियों को ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है। नूडल्स के अंदर सब्जियां वैसे भी थोड़ी सी कच्ची रहती हैं और तभी उसका स्वाद आता है। डाल दिया मैंने 1 चम्मच डार्क सोया सॉस। दोस्तों अगर आपके पास डार्क सोया सॉस नहीं है, नॉर्मल सोया सॉस है, तो आप 2 चम्मच डालिए। मेरे पास डार्क सोया सॉस थी इसलिए मैंने 1 चम्मच डाली है। डाल दिया है मैंने 1 चम्मच विनीगर भी। दोस्तों विनीगर डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखें, विनीगर बहुत खट्टा होता है, अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आपके नूडल्स बहुत खट्टे हो जाएंगे। तो मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच विनीगर और डाल रही हूँ 1 चम्मच रेड चिली सॉस और
मिला दिया है मैंने एक चम्मच और टोमेटो केचप। जी हाँ, ये हमारा वही समोसा वाला टोमेटो केचप है। इन सबको हम एक साथ डाल के मिला लेते हैं। डाल दिया है मैंने नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी नूडल्स उबालते वक्त नमक डाला है। सॉसेस के अंदर भी नमक होता है, इसे नमक थोड़ा कम डालिए। और जो हम मसाला डालने वाले हैं चिंग्स हक्का नूडल मसाला, इसके अंदर भी नमक होता है तो नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। इसके अंदर मैं 2 पैकेट चिंग्स मसाले का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने 2 हक्का नूडल्स वाले पैकेट लिए हैं चिंग्स वाले, तो एक पैकेट के अंदर 1 मसाले वाला पैकेट आता है। डाल दिया मैंने ये 2 पैकेट और अब इसको मिला लेते हैं। दोस्तों फ्लेम अभी भी हाई पे है हमारी। अगर आप लोगों को कोई और जैसे मतलब मैंने जो रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डाली है, अगर आपको ये नहीं डालनी है तो आप सिर्फ सोया सॉस और विनेगर के साथ और इस मसाले के साथ बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। मिला रही हूँ मैं नूडल्स, आप देख सकते हैं नूडल्स सारे एक एक खिले खिले बने हुए हैं, बिल्कुल चावल की तरह हमारे, एक भी किसी से नहीं चिपका है। ये सिर्फ ये नूडल्स बनाने की जो ट्रिक्स है ना दोस्तों, अगर आपने ये समझ ली ना तो आपके नूडल्स कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। एक तो हमें इनको 80% बॉईल करना है, दूसरा में हमें ठंडा पानी मिलाना है और तीसरा इसके अंदर तेल मिलाना नहीं भूलना है। दोस्तों मैंने इसको ढक दिया है 1 मिनट के लिए और 1 मिनट के बाद इसको हाई फ्लेम में अच्छे से और एक बार सौते करने के बाद ये हो चुके हैं तैयार। देखिए है ना इजी बहुत। अगर आज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिट रहें, स्वस्थ रहें, कनेक्ट रहें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।